चेक योर गॉगल पे होटल मुझे। ए भाई भाई, ये कुछ रोस्ट बिश नहीं किया मैंने, ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, ये मैं एंटिटी के टाइम से बोलता आया हूँ। अगर मेन लाइनअप कुछ जीत नहीं रही है तो अकेडमी नहीं रख सकते तुम लोग। ये किसी को रोस्ट नहीं कर रहा मैं, प्लीज ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वापस किसी को जाके दिखा मत देना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अकेडमी तभी रखे जाते हैं, जैसे अस्ट्रालिस थी सीएस गो में या फनाटिक थी सीएस गो में, वो लोग ने एट वन पॉइंट अपने अकेडमी लाइनअप्स रखे थे क्योंकि दे हैड लेजेंडरी स्टेटस इन देयर गेम्स, देयर टीम्स हैड लेजेंडरी स्टेटस, दे हैड लेजेंडरी प्लेयर्स। So if you cannot teach the entire point of having an academy team, first of all, okay, the academy team in esports is so that they absorb knowledge from the main team. That is why you have an academy roster. कि वो नए प्लेयर्स हैं, वो जो भी प्लेयर्स हैं वो एब्जॉर्ब करे नॉलेज को, ताकि जब ये डगमगा जाए ना और ये लोग भी राइज करे एट द सेम टाइम, ताकि जब मेन रोस्टर थोड़ा सा फपलना चालू करे और अपने को कोई प्लेयर उठाने का गरज पड़ रहा है, तो रादर देन टेकिंग अ प्लेयर फ्रॉम द आउटसाइड, यू कैन जस्ट प्रमोट अ अकेडमी प्लेयर इन योर मेन लाइनअप। दैट इज द एंटायर मॉडल बिहाइंड हैविंग एन अकेडमी लाइनअप, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो विच इज व्हाई आई सेड कि जब तक मेन लाइनअप वो लेवल पे नहीं पहुंच जाता वेयर दे कैन टीच अदर्स, अकेडमी लाइनअप्स नॉर्मली स्पोर्ट्स में नहीं रखते।